भारतीय पहलवानों का WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन इसमें नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। और अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। उचित ये होगा कि जब तक जांच पूरी ना हो तब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे खेल और खिलाड़ी प्रभावित हों। देश में खेल PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, उन पे भरोसा रखें। आपको बता दें कि रेसलर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये लोग हरिद्वार अपना मेडल गंगा जी में बहाने पहुंचे थे, लेकिन वहां किसान के नेता राकेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया और उनसे 5 दिन का समय मांगा। इन 5 दिनों में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पहलवानों ने ये दावा किया है कि हम इंडिया गेट पर जाकर आमरण अनशन करेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक। ये मुद्दा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। यहाँ तक कि रेसलर्स को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया था। जब नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे थे तब ये लोग जा रहे थे नए संसद भवन वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, हालांकि रिहा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है। 1-2 महीने पहले ये मुद्दा शुरू हुआ था जब पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे, उसके बाद से फिर अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच में कुछ गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद से ये लोग प्रदर्शन से हट गए थे। लेकिन उसके बाद फिर जांच कमेटी बनाई गई थी, लेकिन जांच कमेटी से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए पहलवान, और फिर ये लोग दोबारा आकर धरने पे बैठे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान आया, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि खिलाड़ी मेडल गंगा में बहाने गए थे लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत को दे दिए गए। मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निवेदन पर FIR हुई और मेरे खिलाफ जांच हो रही है, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ गलत किया होगा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ दिल्ली पुलिस के हाथों में है। आपको बता दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुके हैं, बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई सही से नहीं की जा रही है। इतने दिन से प्रदर्शन चल रहा है, पहलवान चाहते हैं कि उनके सुनवाई हो, लेकिन अभी तक कुछ भी सही हमें देखने को मिल नहीं रहा है इस केस में। आगे आपको क्या लगता है कि सरकार सुनवाई करेगी पहलवानों की या फिर नहीं करेगी, या फिर ऐसे ही धरना प्रदर्शन बहुत दिनों तक चलता रहेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।